हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गई आप लोग के बीच में एक छोटी सी रेसिपी लेके। ये देखिए, छोटी सी छोटी छोटी आलू है। देखिए मिट्टी लगा हुआ है, मेरी क्यारी के आलू है। जब मैं इसका आज बनाने जा रही हूँ मसालेदार सब्जी, तो आप लोग देखते रहिए। इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, धो के काट के मैं फिर आपको बताती हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आलू काट के हो गया है तैयार। देखिए कितने छोटे छोटे आलू थे, मैंने इसको छोटे छोटे दो दो टुकड़े में काट लिए हैं। और काटने के बाद मैं अभी इसको उबालने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर, 5-7 मिनट उबालने के लिए रख दूंगी। फिर मैं इसका चटपटा सब्जी बना के आपको दिखाती हूँ। ये मेरा अपने बगान का आलू है, छोटी छोटी बचा था थोड़ा सा, तब बोले चलो क्यों ना आज आप लोग को इसकी रेसिपी बना के दिखाया जाए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं तब तक आलू को उबालने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़। और ये है मसाले उसके, एक टमाटर है, ये देखिए एक टमाटर है, थोड़ा सा लहसुन का कलिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, दो प्याज, थोड़ा 3-4 मिर्ची और थोड़ा सा जीरा ले लूँगी मैं इसी में। जीरा इसमें नहीं रखे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, ये चटपटा सा सब्जी बन के मेरा कितना जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, इसको 5 मिनट में अभी उबाल लेती हूँ, तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? इसको 5 मिनट तक अभी मैं उबालूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं 5 मिनट हो गया है, अब मैं आलू को उठा के देख लेती हूँ। देखिए आलू मेरा उबल गया है, अब मैं इसको थाली में निकाल लूंगी, फिर इसका मसाला तैयार करूंगी। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसे छोटी छोटी आलू है तो इसी तरह से आप बना के खाइएगा, तो बहुत अच्छा बहुत टेस्टी वाला सब्जी बनता है। फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी आलू ऐसी होती है कि लोग सोचते हैं कैसे बनाएंगे, छोटी छोटी आलू है कौन काटेगा कौन ये करेगा। तो आप लोग इसी तरह से बना के खाइएगा छिलका सहित। ये देखिए इसमें छिलका मैंने उतारा नहीं है इसका, ये देखिए छिलका है ही है। देखिए आप चाहे तो ऐसे उबालने के बाद ऐसे करके छिलका निकाल सकती है, और ना चाहे तो छिलके सहित अगर खाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा 5 फोरन डाल देती हूँ, एक चुटकी हींग भी डाल देती हूँ, हींग से टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल देती हूँ, देखिए लंबा लंबा स्लाइस में काट ली हूँ, उसको इसमें डाल देती हूँ। अब मैं प्याज को ब्राउन होने तक भून लूंगी। ये देखिए प्याज मेरा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। ये आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर है, इसको भी मैं डाल देती हूँ कलर के लिए। ये जो मैंने पीस के रखी थी अदरक लहसुन टमाटर जीरा मिर्ची, सारे में पेस्ट डाल देती हूँ इसी में, इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और धीमी आंच में मसाले को भून लूंगी। आज अभी तेज ना करिएगा, थोड़ा धीमी आंच में ही भूनिएगा, तभी मसाले की खुशबू अच्छे आएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, मसाला मेरा भून गया है, लगभग 5 मिनट मैंने भून लिया है मसाले को अच्छे से। इसी तरह से पूरा लाल करके भूनना है, 2 मिनट और भूनूंगी मैं।
चलिए दोस्तों देखिए मसाला मेरे अच्छे से भून गया है। अब मैं इसको में डाल देती हूँ ये उबली हुई आलू। अब इसी को इसी में थोड़ी देर ऐसे करके चला लूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा आलू की सब्जी। सिर्फ आलू है तो ऐसे आप लोग के घर में भी आलू है तो आप लोग इसी तरह से बना के ज़रूर खाइए एक बार, क्योंकि बहुत अच्छी टेस्टी वाला आलू बनता है सब्जी इसकी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये झारखंड का फेवरेट आलू सब्जी है, माड़ भात के साथ आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, गरम गरम माड़ भात और आलू। इसको इसी तरह से 5 मिनट में भून लूँगी फिर सब्जी बनके मेरा हो जाएगा तैयार। देखिए दोस्तों ये आलू की सब्जी मेरी बन गई है, चटपटी सी आलू की सब्जी। तो अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों आलू की सब्जी मेरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।